गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड सेल्फ प्रैक्टिस 5A। टुडे वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 5B। सेल्फ प्रैक्टिस 5B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन योर स्क्रीन। विच नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी ऑन नंबर लाइन। इनमें कौन सा नंबर है जो ए पे डिनोट है और कौन सा नंबर है जो बी पे डिनोट है, वो हमें लिखना है। तो आप देखेंगे बच्चों, ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो है और यहाँ वन है, तो इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स हैं। तो इट मीन्स ये हमारा कौन से प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है। ओके, ऐसे ही आप देखेंगे तो 1 के बाद सेकंड प्लेस पर बी है। ओके, तो ये कौन से प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है। इट मीन्स 3 अपॉन में आप देखेंगे 0 से 1 तक, यहाँ तक हमारे पास टोटल 5 लाइंस हैं। तो 3/5, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। वैसे ही बी की वैल्यू हम देखें तो पहले तो 1, ओके, देन आफ्टर 2/5। तो ये हो जाएगा हमारे बी का पोजीशन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी इन सभी के पोजीशंस राइट डाउन कर लेने। ओके, जैसे कि नेक्स्ट वाला आप देखेंगे 3/10। ओके, इसमें हमें लेटर्स बताने हैं, राइट द लेटर रिप्रेजेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे कि 3/10 है तो ये कौन सा लेटर है वो आपको इसके आगे राइट डाउन करना है। तो 3/10 आप देखेंगे 1 से लेके 0 तक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 है। तो इट मीन्स थर्ड प्लेस पर जी है और टोटल 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा जी वाला। देन आफ्टर 1, 4/10, तो 1, 4/10 हमारा हो जाएगा ए। ओके, ये हो गया हमारा ए। 7/10, तो ये हो जाएगा एच, सेवन्थ प्लेस पर है। 2, 1/10, तो 2, 1/10 हो जाएगा हमारा बी। एंड लास्ट वाला हो जाएगा 1, 9/10, तो 1, 9/10 है पी। ओके, 1 के बाद 9/10, तो हमारा है पी। क्लियर है? ऐसे ही जो सके हमने अभी क्वेश्चन सेकंड देखा, वैसे ही क्वेश्चन थर्ड हमें रिप्रेजेंट करना है। इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट होया हुआ है, तो ए कहाँ पर रिप्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंटेड 2। अब इसके बीच में टोटल नंबर काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो जाएगा 2/8। उसके बाद बी कहाँ पर है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 5/8। ऐसे ही सी, सी हमारा कौन से नंबर पर है, 1, देन आफ्टर 1, 2, 3, 3/8। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको बाकी और भी जो नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स के फ्रैक्शंस राइट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में विच लेटर ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट गिवन बिलो। जैसे कि 3/10 है तो 3/10 किस पे डिनोट है बच्चों, ए पे डिनोट है। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको इन सभी के जो अल्फाबेट से नीचे से देखकर, नंबर लाइन से देखकर आपको इसके अंदर राइट डाउन करना है। क्लियर है? ओके, नाउ वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज जस्ट वी विल वॉच सेल्फ प्रैक्टिस 5C। तो सेल्फ प्रैक्टिस 5C में आप देखेंगे स्टेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो बाय द शेयर्ड पार्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया हुआ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, एक जैसे, ओके, दिए हुए, तो हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। जैसे कि आप इसके फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो पहला वाला है वो है 1/2, एंड नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे जो शेडेड पार्ट है, इसमें 1, 2, 3 शेडेड पार्ट है और टोटल कितने हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। ऐसे हम बी पार्ट देखते हैं। अब आप कहेंगे सर ये इक्विवेलेंट कैसे, तो ये 1/2 है, जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये भी 1/2 ही कैलकुलेट होगा। ओके, नेक्स्ट आता है फर्स्ट वाले में शेडेड पार्ट है 1/4, टोटल 4 है और 1 शेडेड है, एंड इसमें आता है 2/ टोटल। अब बॉक्स देखेंगे तो देयर विल बी
एट, तो आप देखेंगे इसको भी जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये भी हमारा 1/4 आएगा। तो सो इट मीन्स बोथ आर इक्वल। ऐसे ही आपको इसका सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट एंड एफ पार्ट आपको कर लेना है। नेक्स्ट आता है फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैं करके दिखा देता हूँ। ए पार्ट 5/20, इसका आपको 2 इक्विवेलेंट बोला है लिखने के लिए, तो 2 इक्विवेलेंट में आप लिख सकते हैं 10/40, ओके, एंड 1 आप लिख सकते हैं 1/4। तो ये हमारे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। इन सभी को जब आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो वो सभी 1/4 ही आएंगे, ओके। तो दीज आर द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही आपको और भी जो पार्ट्स हैं, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको राइट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट 2/7 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास बॉक्स है और यहाँ 35 है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि इस बॉक्स के अंदर आएगा क्या, व्हाट विल बी कम इन दिस बॉक्स। तो सिंपली व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को निकालने के लिए 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड इसको हम डिवाइडेड कर देंगे 7 से, ओके। 7 5 जा 35 एंड 5 2 जा 10। तो बॉक्स के अंदर क्या आएगा बच्चों, 10। बॉक्स के अंदर क्या आएगा, 10। तो ऐसे ही आप और भी, जैसे कि नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में आप क्या करेंगे, 54 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और डिवाइड करेंगे 27 से, तो हमारा बॉक्स वाला नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और 88 से डिवाइड करेंगे, तो इस बॉक्स का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है 15 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस बॉक्स का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इसी टाइप से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5, 6 डेट विल बी डू इन अवर नेक्स्ट क्लास, एज वेल एज 5D ऑल्सो वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास। टुडेज होमवर्क इज डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ 5B एंड 5C इन योर नोटबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।